बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत अक्सर कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि विवाद खड़ा हो जाता है। बात कोई भी हो, राखी विवाद खड़ा करने में माहिर हैं। बड़बोली राखी ने फिर एक विवाद खड़ा कर दिया है, लेकिन इस बार उनके निशाने पर जो शख्स है वो कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। खुद को प्रधानमंत्री मोदी की फैन कहने वाली राखी ने योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला किया है। हाल ही में राखी ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में राखी ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा, पता नहीं मोदी जी को योगी आदित्यनाथ में ऐसा क्या दिखा कि उन्हें यूपी का सीएम बना दिया। राखी ने इससे आगे कहा, योगी जी सिर्फ हिंदुओं की जय जयकार नहीं चलेगी, आप होते कौन हैं? मुसलमानों से ये कहने वाले कि वो लोग गाय भैंस ना खाएं। पता नहीं आपने कितनी गायों को चारा खिलाया होगा कि आप सीएम बन गए, जबकि आपके अंदर ऐसा कोई गुण तो नहीं है कि आप इस कुर्सी पर बैठ पाओ। राखी यहीं नहीं रुकी और आगे आगे उनका हमला तेज होता चला गया। अगर आप हिंदू हैं तो सबको हिंदू तो नहीं बना सकते ना? जिस तरह मुसलमान आपके धर्म में दखल नहीं करते, उसी तरह आप भी उनके मसलों से दूर रहिए। आप उनको ये मत कहो कि तुम गाय भैंस मत खाओ। हिंदू लोग मुसलमानों को पत्थर मार मार कर उनकी जान ले रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है योगी जी? राखी ने इसके बाद योगी आदित्यनाथ को बिन मांगी सलाह भी दे डाली और कहा, यहाँ पर जो मुसलमान है वो भारतीय मुसलमान है। अगर आप इन्हें भगा दोगे तो पाकिस्तान वाले भी उन्हें नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो लोग इन्हें रिफ्यूजी मानते हैं। अगर आपको भी आने वाले 20 सालों तक कुर्सी पर बने रहना है तो मुसलमानों को भी साथ लेकर चलिए, सिर्फ हिंदुओं की जय जयकार नहीं चलेगी। अपने इंटरव्यू में राखी ने एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की आलोचना की। हालांकि राखी ने इस कदम को सही बताया, लेकिन कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ने की जगह कपल को परेशान कर रहा है। योगी आदित्यनाथ पर राखी के इस बयान का बीजेपी नेता कड़ा विरोध जता रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने राखी सावंत को किसी अच्छे अस्पताल में मानसिक स्थिति का उपचार कराने की सलाह दी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।